फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता हाल ही में देश के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन से भाग लेकर लौटे हैं और आज अपने कार्यालय पर आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस दौरान क्या कुछ सरकार की योजना है अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए और किस तरह से सरकार काम कर रही है और साथ साथ कैसा रहा उनका मुंबई सम्मेलन का अनुभव, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, आज आयुष्मान कार्ड बांटे हैं और अभी मुंबई का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन विधायकों का आप अटेंड करके आए हैं, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे हर रविवार और सोमवार को आयुष्मान कार्ड और हम जो बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डाटा इकट्ठा हुआ पूरे हरियाणा से 1,80,000 से कम आय वर्ग के लोगों को चिरायु कार्ड और राशन कार्ड हम वितरित करते हैं, बीपीएल कार्ड, वो हर रविवार की भांति इस बार भी हमने वितरित किए हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब गरीब परिवारों को उनकी स्वास्थ्य की चिंता करती है, वे माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है, तो हम लोग भी निश्चित ही लाभान्वित होते हैं कि जब ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। और दूसरी बात, जैसे आपने जो हमारा विधायक सम्मेलन जो मुंबई में हुआ 3 दिवसीय है, निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को हमें मौका मिला, क्योंकि विधायकों के लिए जो लेजिस्लेचर का काम है जिसमें बहुत सुस्ती आ गई है, जो हमारा मेन काम था उसको कैसे उसकी गति बढ़ाई जाए, कैसे उसके लिए ज़्यादा समय दिया जाए, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट लोगों ने अपनी विचार व्यक्त किए थे और हम भी अपनी कोशिश करेंगे अपनी विधानसभा में कि विधानसभा सत्र की लंबी अवधि लंबी हो, जो हम कमेटीज के जिसके हम चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उसमें कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पे उनके कामों पे किस तरह हम लगाम लगा सकें। इस तरह के बहुत सारे हमारे अनुभव हमारे साथियों ने साझा किए, हम भी उन अनुभवों का लाभ उठा के काम करेंगे, क्योंकि पहले बहुत से विधानसभाओं में देखने को मिला है कि एग्जीक्यूटिव्स ने अगर काम में लापरवाही बढ़ती है, समय पे काम नहीं किया है, तो बहुत से ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को सजा तक कमेटी ने दिलाने का काम किया है, सस्पेंशन टर्मिनेशन तक के आदेश दिए हैं और वो पालना भी उनकी हुई है। तो इस तरह के लेजिस्लेशन के काम में ज़्यादा समय देने के बाद एग्जीक्यूटिव पे, क्योंकि जनता चाहती है कि कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका तो अपना काम करती करती है, पर हमारी जुडिशरी के छोड़ भी दें तो हम जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उस पर विधानसभा के माध्यम से उन पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। सर, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में टिफिन पर चर्चा कब होगी और क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, अपनी फरीदाबाद विधानसभा की टिफिन पर चर्चा अपने भाजपा के जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं सब कल 12 बजे सेक्टर 11 कार्यालय पर हम मिल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो कार्यकर्ता जिनके बूते बलबूते पर हमारी पार्टी स्ट्रांग होती है और समाज के बीच में जाके काम करती है, राजनीति के क्षेत्र में भी काम करती है, चुनावों में भी काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम कल टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। तो देखिए, विधायक नरेंद्र गुप्ता को सुना, उनके कार्यालय पर किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को ज़रूरतमंदों को दिया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ मुंबई के विधायक राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या कुछ उन्होंने सीखा और किस तरह की कार्यशैली को वे अपना सकते हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और उम्मीद जताई जा सकती है कि इस सम्मेलन के बाद जिस तरह से देश के सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है, जो विधानसभा की कार्यप्रणाली है उसमें ज़रूर आगामी समय में कुछ सुधार देखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।